हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मेरी किचन शालुजला बुक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मक्के की रोटी सिखाऊंगी। मक्के की रोटी और सरसों का साग सभी को पसंद आता है और विंटर सीजन में तो खाना सभी को अच्छा लगता है। तो बहुत आसानी से आप कैसे घर में बना सकते हैं मक्के की रोटी, तो आज मैं आपको तीन तरीके सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं किस तरह से मक्के की रोटी के लिए आप आटा लगा सकते हैं। आटा गूंथना भी परफेक्ट गूंथना उतना ही ज़रूरी है जितना कि रोटी को बनाना, बेलना है और सेकना है। तो सबसे पहले आटा लगाना सीख लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक ली है बड़ी सी परात। इसमें मैंने 1 कप लिया है कॉर्नमील फ्लावर यानी कि मकई का आटा, आधी चम्मच नमक ऐड किया है और थोड़ा सा धनिया ऐड किया है। धनिया आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, पर थोड़ा सा डालेंगे तो थोड़ा सा दिखता हुआ सा धनिया अच्छा लगता है। सारी ड्राई चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसमें हम पानी डालकर इससे आटा गूंथेंगे। तो एक बार में आप पानी बहुत ज़्यादा ना ऐड करें, धीरे धीरे करके पानी ऐड करें और इसका आटा लगाते जाएं। आप चाहें तो हल्का सा गुनगुना पानी भी ले सकते हैं इस आटे को मारने के लिए। मैं यहाँ पर सादा पानी का यूज़ कर रही हूँ, नॉर्मल वाटर है जो हम पीते हैं, और उसी पानी से मैं यहाँ पर आटा गूंथ कर तैयार कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना धीरे धीरे मैं पानी ले रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितना ज़रूरी था पानी उतना मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमें फर्दर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस इसे हमें अच्छे से 3-4 मिनट तक नीट करना है। ये देखिए हाथों का जो आप ये पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट से हमें इसे अच्छे से नीट करना है। तो इसको नीट करते जाइए, थोड़ी देर में आप देखेंगे ग्लूटेन फॉर्म हो जाएगा तो इसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी, तो आटा लगकर आपको रेडी मिल जाएगा। तो ये देखिए आटा हमारा लगकर बिल्कुल रेडी है और इससे अब हम लोई तोड़ेंगे। तो जितनी बड़ी भी आप रोटी बनाना चाहें उतना आप आटा ले लें हाथ में और उससे आप पेड़ा बना लें। थोड़ा सा एजिस को आपको स्मूथ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मैं प्योर मक्के के आटे का की रोटी बनाने जा रही हूँ। तो जो प्योर मक्के का आटा होता है वो थोड़ा सा उससे रोटी बनाना डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपको रोटी बनाने में परेशानी होती है फिर भी, तो आप चाहे तो इसमें आप थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको इस तरह से हाथों से भी बनाते हैं, हाथों से बनाते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इस तरह से फट भी जाती है। तो मैं तो नहीं बना पाती हूँ, इसलिए मैं आपको 3 आसान तरीके सिखा रही हूँ जो मैं फॉलो करती हूँ। तो मेथड नंबर 1, सबसे पहला तरीका है ये देखिए, इस तरह से आप एक लोई ले लीजिए और इस पे हम इस तरह से आटा छिड़केंगे। थोड़ा सा आटा आप छिड़क दीजिए और नॉर्मली जैसे हम रोटी या पराठा बेलते हैं वैसे ही हमें इसे बेलना है। बस हल्के हाथों से बेलें, इस बात का ध्यान रखें। तो ये था पहला तरीका रोटी बेलने का। सेकेंड तरीका देख लेते हैं। तो दूसरे मेथड में ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक पॉलीथिन की शीट ली है। इस तरह से एक आप कोई पॉलीथिन ले लीजिए, तो उसके 3 एंड्स को मैंने कट कर दिया है। 3 साइड से मैंने इसे कट कर लिया है और ये देखिए सिर्फ एक पार्ट इसका इस तरह से जुड़ा हुआ है। और इस पर ये देखिए दोनों साइड पर हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, ऑयल या घी आप कुछ भी लगा सकते हैं। इस तरह से लोई रख दीजिए बीच में जहाँ पर हमने तेल लगाया है, घी लगाया है उसके ऊपर। और ये देखिए दूसरी साइड में भी यहाँ पर मैं ऑयल लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमने चिकना कर लिया है दोनों साइड्स को। अब ये देखिए इसको हम इस तरह से रखेंगे और अब हम इसको चाहे तो चकले की हेल्प से बेल सकते हैं। ये देखिए आप एक चकला ले लीजिए, रोटी बनाने का चकला है, लकड़ी का चकला मैंने लिया है। आप पत्थर वाला जो चकला होता है वो भी ले सकते हैं या कोई और चीज़ ले सकते हैं दबाने के लिए। इस तरह से हल्का सा इसको प्रेस कीजिए तो ये देखिए आपको इस तरह से रोटी बेलकर रेडी मिल जाएगी। तो इस तरह से पतली मोटी कैसी भी आप रोटी बना सकते हैं, छोटी बड़ी जैसी भी आप चाहें। तो ये देखिए अब इसको आप हाथों में इस तरह से लेकर सेक सकते हैं आराम से, गर्म तवे पर आप डाल दीजिए। ये देखिए कितनी आसानी से रोटी बिल्कुल रेडी हो गई। आइए देख लेते हैं मेथड नंबर 3। तो मेथड नंबर 3 में अगेन मैं प्लास्टिक शीट का यूज़ कर रही हूँ जो मैंने पहले यूज़ की थी, उसको अगेन हम चिकना करेंगे। मैंने यहाँ पर प्लास्टिक की शीट को पहले से चिकना करके रखा हुआ है और ये देखिए आप चाहे तो इसको नॉर्मली जैसे हम बेलते हैं रोटी या पराठा वैसे ही आप चाहे तो इस तरह से बेल सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स, आप इसको अपनाकर आप मक्के की रोटी घर में बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और आप देख सकते हैं मिनटों में ये बिल्कुल रेडी मिल जाती है। तो अब आइए फ्रेंड्स इसको हम गरम तवे पर सेक लेते हैं। तो ये देखिए तवा मैंने ऑलरेडी गरम करके रखा था, इस पर मैंने रोटी डाल दी है और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से 2 से 3 मिनट तक सेकेंगे। मक्के की रोटी को सिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। जब ये नीचे से सिक जाएगी तब इसे हम पलट देंगे। ये देखिए नीचे से सिक चुकी है, पलट दिया मैंने इसे और वापस से नीचे से भी हम इसको 2 मिनट तक सिकने देंगे। नीचे से भी ये सिक चुकी है आप देख सकते हैं। अब इसको हम
तवे से हटाएंगे और इसको हम आँच पर रखकर सेकेंगे। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और इस तरह से घुमाते हुए चिमटे की हेल्प से आप इसको सेक लें। ये देखिए, आप देखेंगे इस तरह से फूल जाएगी। तो आँच का ध्यान रखें, बीच बीच में आप आँच को कम करते जाएं और मक्के की रोटी को बढ़िया कलर आने तक सेक लें। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पर आपको लोहे के तवे पर भी दिखा रही हूँ। लोहे के तवे पर मैंने रोटी को सेक रही हूँ मैं, और ये देखिए नीचे सिक चुकी है, पलट दीजिए आप और नीचे से भी वापस से सिकने दीजिए आप। ये देखिए दूसरी साइड से भी सिक चुकी है, अब इसको आप आँच पर सेक लीजिए। तो आप भी घर में ट्राई कीजिए और मेरे बताए हुए मेथड को फॉलो कर आप रोटी को आसानी से बेल सकते हैं। और मक्के की रोटी आप घर में बनाइए, सरसों के साग के साथ खाइए, या फिर किसी भी दाल रोटी चावल किसी के साथ भी आप इंजॉय कीजिए, और नॉर्मली भी आप बना सकते हैं। और इसको आप मक्खन के साथ, सफ़ेद मक्खन के साथ, या फिर बटर के साथ, या फिर घी के साथ, किसी के साथ भी लगाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी मक्के की रोटी, बहुत आसान तरीका मैंने आपको सिखाया है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच क्या रहे हैं, फटाफट मक्के का आटा उठाइए और बनाइए ये रोटी, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली सभी को खुश कीजिए। तो बनाइए आप ये रोटी, मक्के की रोटी, बहुत आसान तरीके से। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप रखिए अपना ख्याल।